नमामि धन्वंतरि वादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग जो ग्रहणी का बल देने की चिकित्सा है उस पर हम लोग विचार करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और ये हमारा भारत भूमि है, ऋषि मुनि लोगों का भूमि है और आप सभी में ऋषि मुनि लोगों का ही पूरा अंश आया हुआ है। और भले हम लोग ऐसे हो कि हम डॉक्टर का डिग्री प्राप्त किए हैं लेकिन सबके सब ऋषि मुनि के ही संतान है। तो और हमारे सर ऐसा बताते हैं कि कोई भी वैद्य होने के लिए आत्मा का गुण होना सर्वोपरि होता है। तो आप लोग पिछले जन्म में भी और उसके पिछले जन्म में भी सब चिकित्सक लोग ही थे जो इस जन्म में भी हैं। तो और हम लोग यहाँ पर मिले हैं तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने के लिए जुड़े हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे शाम को 7 बजे जो आयुर्वेद का ज्ञान है वह एक दूसरे को बांटते हैं, नया चीज सीखते हैं और ये 7 बजे का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपना नॉलेज छुपाता नहीं है। अभी हम लोग ना पर्पटी कल्पों पे बात करने के लिए आए हैं। पर्पटी कल्पों का तो हमने अलग अलग अनुपान से बात किया था। कुछ पथ्य रहता है कि इसमें तक्र का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है। दही एक भाग ले लीजिए 250 ml और 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसको मथ के मंथन संस्कार करके और जो मक्खन है वो निकाल लीजिए क्योंकि मक्खन से वो थोड़ा गुरु बन जाता है। हमें हल्का बनाना है, मतलब लघु बनाना है और दीपन पाचन बनाना है। और दूसरा क्या है कि उसमें जीरा भुन के डालिए, काला नमक डालिए या फिर हींग डालिए, भुना हुआ हींग, घी में भुना हुआ हींग, सेंधा नमक डालिए, अदरक डालिए, शुंठी मतलब शुंठी डालिए या फिर मधु डालिए या कोई वनस्पतियों का स्वरस डालिए। ऐसा डाल के जब बनाया जाता है तो वह तक्र जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। और हमारी ग्रहणी कला जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर, मस्कुलरिस लेयर, इसको रीजनरेट करता है, नया बनाता है। एलोपैथी साइंस में एक बार ये सेल डेथ हो गया तो सेल डेथ हो गया, मतलब इरिवर्सिबल सेल डेथ ऐसा वो लोग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम इसको रीजुवनेट करते हैं और ऐसा देखने में भी आता है। जब आप ग्रहणी की चिकित्सा करते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस की करते हैं या क्रॉन्स डिजीज की चिकित्सा करते हैं, जब आयुर्वेद की चिकित्सा हो जाती है उसके बाद में वो लेयर परमानेंट ठीक हो जाते हैं। और ऐसा एंडोस्कोपी में भी देखा गया है, कोलोनोस्कोपी में भी देखा गया है, मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। हर लेयर अच्छा हो जाता है वहां पे। वो तो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सरेशन ठीक नहीं हुआ तो वो कट करके लार्ज इंटेस्टाइन फेंक देते हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं, वो स्टेरॉइड देके उसको रोक के रखते हैं लेकिन इलाज नहीं है। आयुर्वेद की जो जड़ी बूटी है, जो तक्र है, पर्पटी कल्प है, आगे मैं वसंत कल्प बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप सब वैद्य लोगों को तो मालूम ही होना चाहिए, जितना जानकारी अभी थ्योरेटिकल हो रहा है उतना ही प्रैक्टिकली जब आप लोग करेंगे और ये सारे पेशेंट का एनालिसिस करके आप लोग ये पूरा कंपाइल करके डेटा देंगे कि हमारे पास इतने पेशेंट है और हम लोगों ने इस तरह से ठीक किया,
तब आप लोगों का नाम होगा, पूरा दुनिया में नाम होगा। और अभी भी देखिए 6-6 लाख लोग हम लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नया चीज हम लोग को मिल रहा है। तो इसी तरह से ज्ञान बढ़ते जाएगा। कभी कभी दूध और चावल का भी प्रयोग करके कराया जाता है, परपट्टी कल्पों का सेवन कराया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा रस परपट्टी। रस परपट्टी जो है, यह जितने भी परपट्टी कल्प है उसमें सबसे पहला परपट्टी कल्प रस परपट्टी बताए। रस परपट्टी है, यह कैसा होता है, पारा और गंधक इनको मिला के, और पारा गंधक की कज्जली, कज्जली होता है, और उससे ही डायरेक्ट, उसमें और कोई चीज नहीं रहता है, कज्जली का ही परपट्टी बना के वो प्रयोग किया जाता है। ये एकदम सिंपल रहती है, ये दीपन पाचन कार्य करती है, अग्नि को दीप्त करती है, आम का पचन करती है, जंतुग्न है। एलोपैथी साइंस मानता है कि वहां पे कुछ ना कुछ बैड बैक्टीरिया रहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसके वजह से वहां पे इन्फेक्शन होता है, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया या फिर कोलाइटिस हो गया, ऐसे बहुत सारा पैथोलॉजी होता है। मॉडर्न डॉक्टर वो डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट कर लेते हैं, और उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है बहुत सारा, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, और फिर वहां पे प्रोबायोटिक्स दिया जाता है गुड बैक्टीरिया के लिए, वो सब दिया जाता है। लेकिन वो लोग नया रीजनरेट करना है ये सेल्स को, जो बैक्टीरिया ने या फिर वहां पे आम दोष उसने जो नष्ट कर दिया है, सड़न होने की वजह से या फिर वहां पे विकृति होने की वजह से जो खराब हो गया है, उसके लिए रीजनरेट करने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। रस परपटी जो है वो जंतुघ्न भी है और शोधन करने वाली भी है, विषघ्न भी है, मतलब विष को भी नष्ट करती है, शोधन भी करती है, एक एक स्रोतस एक एक सेल को शुद्ध करती है, इसलिए रस परपटी को श्रेष्ठ माना गया है। और यह ग्रहणी रोग, हम केवल ग्रहणी रोग बोलते हैं ना कि ग्रहणी रोग है, इसका मतलब ये एक हम लोग केवल सोचते हैं कि ड्यूओडिनम हो गया, ऐसा नहीं है। आप अगर हिस्टोपैथोलॉजिकली देखेंगे तो एक एक म्यूकोजा के एक एक सेल को देखना चाहिए, सब म्यूकोजा लेयर के एक एक सेल को देखना चाहिए, मस्कुलरिस लेयर के एक एक सेल को देखना चाहिए, उतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म उसका गामित्व होता है। इसलिए ग्रहणी का व्याधि को ये पूरा ठीक करता है, अर्श व्याधि को ठीक करता है, क्योंकि अर्श व्याधि में क्या बताया है कि अग्नि मान्यता और अति मल संचय, अग्नि मान्य तो होता ही होता है अर्श में, और मल संचिति होती है। तो रस परपटी क्या काम करता है कि दीपन और पाचन काम करता है, सारकिट्य विभाजन अच्छे से कर देता है, और वहां के जो अपने लेयर्स है म्यूकोजल सब म्यूकोजल मस्कुलरिस लेयर, इन सबको ताकत देता है, ताकत देता है। तो वो पूरा प्रक्रिया, जैसे मशीन बंद हुआ है तो मशीन पूरी तरह से चलने लगना, वैसा पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा होने लगता है, सारकिट विभाजन अच्छे से होने लगता है, वहां जो पित्त का स्त्राव होना चाहिए वो अच्छा होने लगता है। तो इसी तरह से अर्श व्याधि ठीक हो जाता है, और जीर्ण अतिसार अगर हुआ है उसकी वजह से शैथिल्यता आ गई उसको ठीक कर देता है। उसी तरह से मंदाग्नि का जो क्रॉनिक मंदाग्नि का प्रॉब्लम है वो ठीक कर देता है। उसी के साथ में जीर्ण अतिसार में ये आंत्र की ग्राहक शक्ति को बढ़ा देता है, मतलब एसिमिलेशन होना और एब्सॉर्प्शन होना उसको ये बहुत अच्छा कर देता है। और उसमें कुछ कुछ अफीम जैसे स्तंभक औषधियों से जीर्ण अतिसार में देने से, पहले के जमाने में लोग अफीम जैसे द्रव्य देते थे, मॉर्फिन जैसे द्रव्य, उससे क्या होता था कि थोड़ा सा उपशम मिलता था, लेकिन बाद में वो बार बार अतिसार हो जाता था और आंत्र भी निर्बल हो जाते थे, मतलब कमजोर हो जाते, निर्बल कमजोर हो जाते थे। ऐसी अवस्था में आंत्र में जो संचित विष है, जो पूरा टॉक्सिन है, उसको निकालने में बहुत मुश्किल हो जाता था। आप लोगों ने कभी भी पोस्टमार्टम देखा होगा, जहां पे डेड बॉडी को कट करके और विसरा निकाला जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का या स्मॉल इंटेस्टाइन का आपने पोस्टमार्टम में देखा होगा किस तरह से कट करके देखा जाता है, वहां पूरा एक लेयर जो रहता है ना मैदे की तरह जमा होता है, मैदे की तरह या फिर अलग अलग कलर की तरह जन, और बहुत ही गंदा स्मेल आता है, वो पूरा टॉक्सिन्स रहते हैं जो कितने सालों साल से। और इसीलिए हम लोग जब शोधन करते हैं वमन विरेचन वस्ति नस्य रत्नोक्षण, उससे क्या होता है कि सारे जो लेयर्स होते हैं वो शुद्ध होते जाते हैं। तो अभी परपटी कल्प है ये तो शोधन करता ही है, शमन के रूप में अगर हम लोग दें, और यह आंत्र को बल भी दे देता है, और यह क्या करता है कि संचित विष को भी नष्ट कर देता है, जंतुओं को भी नष्ट कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। रस परपटी का प्रयोग एक और बताया है अपने ग्रंथों में कि यह अपेंडिसाइटिस अगर होता है तो अपेंडिसाइटिस की व्याधि प्रत्यनिक दवाई रस परपटी होता है, इसको देंगे ना तो तुरंत ही इमीडिएटली इसका जो डोज जाएगा शरीर में उसमें अपेंडिसाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर जो छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं,
वाले हैं, स्तन्य पी रहे हैं और उनका पाचन नहीं हो रहा है, माता का दूध इतना गाढ़ा आ रहा है जो पच नहीं पा रहे, और उसकी वजह से अतिसार हो रहे हैं बच्चों को। इसमें हम लोग दंतोद्भेदगत जन्य व्याधि नहीं बोलेंगे, दंत आने के पहले जो माता का जो केवल दूध पी के रह रहे हैं और उनको अतिसार हो रहे हैं माता के दूध से, 6 महीने के अंदर वाले बच्चे, उनमें भी रस पर्पिटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कफज ग्रहणी जब रहती है तो कुछ कुछ हम लोग ना मिक्सचर में देते हैं रस पर्पटी। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद एक साथ आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा देने से अच्छा है कि पूरा ये चैप्टर का ही मैं पीडीएफ दे दूं जो आप लोगों को काम है। तो कफज ग्रहणी में जब हमारे पास अक्षिकूट शोथ होता है, पूरे आईज के ऊपर स्वेलिंग होता है, पांडुता होती है, रोम हर्ष बहुत ज्यादा होता है, तब रस पर्पटी 250 मिलीग्राम और त्रिकटु 500 मिलीग्राम, ये दोनों को कॉम्बिनेशन दिया जाता है और इसमें पुनर्नवासक के साथ दिया जाता है, दिन में 3 बार दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम को। तो यह कफज ग्रहणी में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एक और योग है जो कफज ग्रहणी में योग होता है, यूज होता है, उसमें एक रत्ती की मात्रा में, मतलब 125 mg की मात्रा में रस पर्पटी लेना है, दो रत्ती की मात्रा में शौक्तिक भस्म लेना है, एक रत्ती की मात्रा में श्रृंग भस्म लेना है और 4 रत्ती मतलब 500 मिलीग्राम की मात्रा में त्रिकटु लेना है, यह मिक्स कर लेना है और दिन में 4 बार लेना है और शहद के साथ लेना है। तो यह कफज ग्रहणी जो क्रॉनिक रहता है, बहुत पुराना रहता है, उसमें यह बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पंचामृत पर्पटी का आपने नाम सुना होगा, पंचामृत पर्पटी जो है सभी पर्पटियों में सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है और इसका नाम पंचामृत क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें 5 चीजें रहती हैं, पारा, गंधक, ताम्र भस्म, लौह भस्म और अभ्रक भस्म। पारा, गंधक, ताम्र भस्म, लौह भस्म और अभ्रक भस्म, इन सब का मिक्स करके, कज्जली में मिक्स करके सारे भस्म डाल के और पर्पटी बनाते हैं। तो जब हम ग्रहणी चिकित्सा में देखते हैं कि अलग अलग चरण होते हैं, उसी में अगर पंचामृत पर्पटी का प्रयोग करें चिकित्सा में, पहले हम लोगों ने क्या देखा, चिकित्सा के जो स्टेप्स हैं कि तक्र का प्रयोग करें, तक्र का हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि तक्र सर्वश्रेष्ठ होता है या तक्रारी सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि त्रव्याद मास रस, मतलब जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनका जो मास रस होता है वो अच्छा होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, पर्पटी कल्पना में रस पर्पटी अच्छा रहता है। उसके बाद हमने क्या देख, अभी हम क्या देख रहे हैं कि पंचामृत पर्पटी, तो ये आगे के जितने भी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो पंचामृत पर्पटी है। वह क्यों पर्पटी है वो हम देखते हैं। तो गंधक जो है पंचामृत पर्पटी में वह उत्कृष्ट आम पाचक है, आम का पचन कर देता है, और इसका वर्णन करते समय ग्रंथकारों ने क्या बताया है, जाठराग्निम प्रसूते, मतलब जाठराग्नि अत्यधिक मंद हो गई है, बहुत ही ज्यादा मंद हो गई है, बहुत ही जन अगर आप उसको 1 2 3 4 ऐसे देखें तो बहुत ही कम हो गई है मंद अग्नि, बहुत मंद हो गई है, 0 हो गया तो मृत्यु हो जाता है, शांतो म्रियते अग्ने मृत्यु, ऐसे बोलते हैं, अगर 0 हो गया अग्नि तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अग्निमंद बहुत लो लेवल का हो गया है, तब यहाँ पे गंधक बहुत उपयोगी रहता है। ताम्र भस्म जो है वो एकदम उत्तम अग्नि दीपक है तथा लेखन करने वाला है। लेखन करना क्यों जरूरी होता है कि जैसे आम दोष है या कफ है बहुत ज्यादा, जहां पे हमें खुरेद के कोई भी चीज निकालना है या फिर वहां पे टॉक्सिन्स हैं या फिर कचरा है, जो भी चीज है उसको लेखन करना बहुत जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है, साफ सफाई नहीं होगी, लेखन नहीं होगा तो वहां पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वो मेडिसिन जाएगा नहीं अच्छे से, इसलिए लेखन करने में और दीपन भी होना चाहिए, अग्नि दीपन भी होना चाहिए, इसलिए ताम्र भस्म का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो दुष्ट ग्रहणी है, जो मतलब बहुत ही ज्यादा टॉक्सिन जमा है, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए सेल्स, दुष्टम ग्रहणी हरे ध्रुवम, मतलब जैसे ध्रुव तारा होता है, तो ध्रुव तारा कभी भी, ध्रुव जो बालक ध्रुव था वो कभी भी विष्णु भक्ति से कभी भी अडिग नहीं हुआ था, तो कोई भी चीज एकदम सही सही वैसे का वैसे रहता है, जो वर्तमान भूत और भविष्य कभी भी अडिग नहीं होता, मतलब वो हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, अडिग रहता है वो, ऐसे ध्रुव तारा की तरह जो ताम्र भस्म है वो उत्कृष्ट अग्नि दीपक है और लेखन करने वाला है, इसलिए बोला है दुष्टम ग्रहणी हरे ध्रुवम, मतलब ये दुष्ट ग्रहणी को कितना से भी खराब से खराब ग्रहणी है उसको ये पूरी तरह से अच्छा कर देता है। फिर है लौह भस्म,
लौह भस्म तिक्त कषाय रस प्रधान होता है और ग्रहणी अवयव पे संकोचक प्रभाव डालता है, जहां पर भी लूजनेस आ गया है, सारे म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, वास्कुलरिस लेयर या पूरा ग्रहणी कला जो है वो लूज पड़ गया है, उसको शिथिलता को दूर करके बलवान बनाना है। उसमें लौह भस्म लोहे की तरह वहां पे काम करता है और सारे सेल्स को स्ट्रांग बना देता है, इतना बलवान बना देता है कि वह एकदम प्राकृत अवस्था में आ जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमने पहले में पढ़ा कि आंत्र की उत्पत्ति तप से और रक्त के प्रसाद भाग से होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तो लौह भस्म जो है वो रक्त धातु को स्वस्थ कर देता है, ब्लड को अच्छा कर देता है और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, कैपिलरीज और जितने भी छोटी छोटे आर्टरीज वेन्स हैं, कैपिलरी, उन सबको अच्छा कर देता है, तो ग्रहणी को ये बल देता है। उसके बाद में आता है अभ्रक भस्म, पंचामृत पर्पटी में एक घटक है अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म उत्कृष्ट रसायन है और अभ्रक भस्म मन पे भी काम करता है। तो जब हम लोग बोलते हैं यह पित्त धरा कला स्वयं मज्जा धरा कला, जो पित्त धरा कला है वही मज्जा धरा कला है, जहां पर भी ग्रहणी दुष्टि होती है वहां पे मन विकृत हो जाता है या फिर मन की विकृति में ग्रहणी कला दूषित होती है। अभ्रक भस्म जो पंचामृत पर्पटी में डाला हुआ है ये उत्कृष्ट मन पे काम करने वाली दवाई है। तो जब भी आप पंचामृत पर्पटी देते हैं तो उसके साथ में आपको मन की कोई और दवाइयां जैसे मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, वो देना है तो दीजिए, लेकिन इसमें खुद ही अभ्रक भस्म डाला है तो ये अपने आप मन पे भी काम करता है, मन खुश हो जाता है। मतलब एक तरह से देखें तो मनोवसाद है, मन में विषाद है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, वह सबको ये दूर कर देता है। मतलब ये माइंड पे इतना बढ़िया काम करता है कि एंटी डिप्रेशन काम करता है। और अभ्रक का वर्णन ऐसे बताया कि क्षेत्र स्थैर्यम वितरयति, मतलब ये पूरे जो वहां के शरीर है, एनाटॉमी है, मतलब जो वहां का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको स्थिरता लाता है। हम लोग दुर्बलता को कम कर रहे हैं लौह भस्म से, ठीक है बलवान कर रहे हैं, लेकिन वो टिकाए रखना है, वो कौन करेगा? तो अभ्रक भस्म का प्रभाव से वो परमानेंट टिका रहता है, स्थिरता ला देता है वहां पे। और दूसरा है पारद के बारे में हम लोग देखेंगे, पंचामृत पर्पटी में जो पारद होता है मरकुरी, वह ग्रहणी गज कर्षण दक्षतर, मतलब ये बोला है कि यह 1,000 हाथी की तरह ये काम करता है, 1,000 हाथी से कोई भी काम करवाया जाए कितना बढ़िया काम करेगा। और दक्षतर, दक्षतर मतलब हर काम में निपुण होता है, इसलिए पारद का तो वर्णन है और ये रसकल्प है, बहुत बढ़िया काम होता है। तो यह अग्निदीपक रहता है पारद, श्रेष्ठ योगवाही रहता है। तो इसी तरह से सभी ग्रहणी रोगों में, अब ग्रहणी रोग केवल आप ये मत सोचिए कि केवल हमारे पास पेट की बीमारियां लेके आ रहे हैं, मूत्रबद्धम मूत्रद्रवम, ऐसा नहीं है, कोलोन कैंसर के पेशेंट आ जाते हैं या फिर पेट की बीमारी से रिलेटेड इनफर्टिलिटी के पेशेंट आ जाते हैं या पेट की बीमारी से लेके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, पेट की बीमारी और डायबिटिक पेशेंट आ जाते हैं, पेट की बीमारी और खून की कमी, पांडु रोग आ जाते हैं, मतलब पेट की बीमारी, ऐसे जितने भी बीमारियां हैं सबका मूल स्थान ग्रहणी पेट है। अगर ग्रहणी को अगर हमने अच्छा कर दिया तो सारी बीमारियों को हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन जो है ग्रहणी पे बल देने के लिए और शोधन करने के लिए, अग्निदीपन करने के लिए, पाचन के लिए, जंतुघ्न के रूप में, हर तरह से अगर देखें तो पंचामृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पित्त प्रधान अवस्था में अन्य पर्पटी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लौह पर्पटी नहीं कर सकते हम लोग, पित्त प्रधानता में हम लोग ताम्र पर्पटी नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गंधक के, गंधक पित्त शामक भी होता है, तो यहाँ पर पंचामृत पर्पटी का प्रयोग कर सकते हैं या स्वर्ण पर्पटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एक सप्तामृत पर्पटी भी बनता है जिसमें बंग और यशद भस्म डाल के हम लोग सप्तामृत, बंग और यशद डाल के, ये पंचामृत पर्पटी में, पंचामृत पर्पटी में क्या क्या है तो पारद, गंधक, ताम्र भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, इसमें हमने बंग और यशद भस्म डाल दिया तो ये सप्तामृत पर्पटी बन जाता है। तो यह पंचामृत पर्पटी से भी ज्यादा पावरफुल रहता है, अच्छा रहता है। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि पहले 3 स्टार होटल्स होते थे इंडिया में, उसके बाद में 4 स्टार होने लगे, फिर 5 स्टार होने लगे, अभी पुणे बॉम्बे में 7 स्टार होटल्स होते हैं। तो वैसे ही सप्तामृत पर्पटी है वो 7 स्टार होटल में जो सुविधा मिलती है वैसे सप्तामृत पर्पटी सभी में श्रेष्ठ होता है। ऐसा यादव जी त्रिविक्रम जी आचार्य जी ने सिद्ध प्रयोग संग्रह नाम के पुस्तक में वर्णन किया है सप्तामृत पर्पटी के बारे में, तो उसका बहुत अच्छा योग रहता है। आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आई थी, आती हैं वर्षा कौशिक मैम, उनके जो फादर इन लॉ हैं उनको लीवर पैरेन्काइमल डिजीज है हुआ था, तो उनको एसाइटिस भी हो रहा था और वो बहुत घबरा रहे थे,
तो मैंने उनको सप्तामृत पर्पटी भेजा था, और देखिए अभी वो ठीक हो गए पूरा, सब कुछ खा पी रहे हैं, अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सप्तामृत पर्पटी का इतना बढ़िया प्रयोग होता है। उसी तरह से कुछ कुछ योग है, मतलब कुछ फॉर्मुलेशन है जो आप लोग सुन लीजिए, बाद में पीडीएफ मिल जाएगा या लिख लीजिए आप लोग। तो पित्तज ग्रहणी के जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन में, तो पंचामृत पर्पटी 2 रत्ती 250 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 250 मिलीग्राम मतलब 2 रत्ती, बिल्वादी चूर्ण 4 रत्ती मतलब 500 मिलीग्राम, इसको दिन में मिक्स करके दिन में 3 बार देना है, तक्र के अनुपान के साथ देना है। उसी तरह से कफज ग्रहणी में भी हम लोग पंचामृत पर्पटी, त्रिकटु, प्रवाल पंचामृत, बिल्वादी चूर्ण को मिक्स करके दे सकते हैं। तो यह अरुचि, अग्निमांद्य, आलस्य, शाम शाम शिथिल मल को ठीक कर देता है, ठीक है, कफज ग्रहणी के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से एक और योग है, एक कॉम्बिनेशन है, पंचामृत पर्पटी 2 रत्ती 250 मिलीग्राम, ताम्र भस्म 125 मिलीग्राम, बिल्व चूर्ण 2 ग्राम, इन सबको मिक्स करना है, और ये दिन में सुबह और शाम कोष्ण जल के साथ या उष्णोदक के साथ देना है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बाद में एक और योग है, पंचामृत पर्पटी 2 रत्ती मतलब 250 मिलीग्राम, कपर्दिका भस्म 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम मतलब 4 रत्ती, और अग्नि कुमार रस ये 500 मिलीग्राम मतलब 4 रत्ती, इन सबको मिक्स करके और दिन में सुबह शाम हम लोग तक्रारिष्ट के साथ प्रयोग करें, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसी तरह से एक आता है स्वर्ण पर्पटी, अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर आदित्य सर, अनुरिता मैम, आपने पंचामृत पर्पटी, रस पर्पटी का प्रयोग किया है क्या? आप लोग थोड़ा यस बताइए, सर, फिर मैं यस स्वर्ण सर। पर्पटी बाद में बताता हूँ। सर मैंने एक केस एक्चुअली डाला था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आयुष दर्पण 50,000 व्यूवर्स की तक पहुंच गया, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ सर। मैं पंचामृत पर्पटी, कपर्दिक और ये कॉम्बिनेशन बहुत सालों से यूज करती आ रही हूँ, लेकिन उसका जो रीजन है वो पहली बार इतनी बारीकाई से आपने बताया। मुझे सिर्फ इतना कहना था सर कि यूजुअली गृहिणी पेशेंट में ग्राही चीजें जो है वो हम थोड़ा सा टालते हैं, तो अभी जो योग बताए गए हैं तो उसमें हमने मूर द्रवम, अतिसार, ये प्रवृत्ति देख के फिर बिल्व और लोह डालना चाहिए, या इन ऑल पंचामृत पर्पटी हम एक योग करके ही देना चाहिए, जो आपने योग बताया, दोनों क्योंकि काफी दोनों दोनों। आप लोग जैसा हाँ कंडीशन हो वैसे आप मिक्स करके भी दे सकते हैं, अकेले भी दे सकते हैं। हाँ हाँ सर, ताराचंद में बहुत ज्यादा यूज होता है ये कॉम्बिनेशन, और नानल सर का बहुत फेवरेट कॉम्बिनेशन था। बस मेरा एक ही शंका था, आज वो केस मैंने डायवर्टिकुलाइटिस की, जो वी आर ट्राइंग दैट दे शुड नॉट डू सर्जरी, उनके फॉरेन के रिलेटिव्स बताएंगे तभी, बिकॉज डायवर्टिकुलाइटिस कोई कैंसर या कोई आउटग्रोथ नहीं, लेकिन उन्होंने गैंग्रीन करके तुरंत रिसेक्शन ऑफ इंटर ये करके बताया। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ये वाले योग यूज कर सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज इट इज इनटू सिग्मॉइड कोलॉन, और आपने उसका उत्तर अभी बता दिया कि हम वहां पे यूज कर सकते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, क्योंकि आप जो है उसकी मूल संप्राप्ति, जो संगठन है धातु का, वहां का संप्राप्ति भेदन करने का बात करें तो ये वहां पे लागू हो सकता है। तक्रारिष्ट सर मैं यूज करती हूँ, लेकिन आपने जो उस दिन बताया सर, वैसे तक्रारिष्ट बनाना तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने तक्र के योग को मंथन करके ऊपर से हटा के फिर उसको सिद्ध करके बता दिया, लेकिन हम मार्केट का तक्रारिष्ट कैसे यूज करें नहीं, और कौन सा, नहीं वो बिकॉज कैसा है कैसा नहीं पता नहीं। सर भी प्रैक्टिकली तो सर ग्रहणी दृष्टि 90% लोग ग्रहणी से ही पीड़ित है, अच्छा मुझे तो ऐसे अनुरिता लगता मैम, है। आपके हाँ जी स्क्रीन बताए। पे दिख रहा है कि फैट हाँ जी सर, मेटाबॉलिज्म, इसको आप यस देख यस के पढ़ के बताइए, या आदित्य सर आप बताइए, ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, इसको भी एक ग्रहणी पर्पटिकल अच्छा करता है। आप पहले ये देख के आपको क्या समझ आ रहा है, फैटी एसिड बनना, ग्लिसरॉल बनना, इसको कुछ सर, एक्सप्लेन। ये सारा फैटी, जो फैट मेटाबॉलिज्म है, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जो काइलो माइक्रॉन्स है, जो इंटेस्टिनल म्यूकोस में है, उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड स्ट्रीम में जब होता है तो उसका डाइजेशन के लिए एक्चुअली लाइपेज एंजाइम लगता है, बट यहाँ पे स्मॉलर इंटेस्टाइन का पार्ट दिखाया है, लीवर दिखाया है, जहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ, जिन लोगों को हाइपरलिपिडिमिया होता है ना सर, उनका यही मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ रहता है। जैसे अभी कल मेरे पास में केस आई थी, वो तो वो पेशेंट किसी और चीज का था, हार्ट का था, लेकिन उसका एलडीएच 377 के ऊपर था, जो यूजुअली नॉर्मल नहीं रहता है। तो ये जो बाइल सॉल्ट, देन फीकल कोलेस्ट्रॉल एंड ये सारी चीजें जो यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये शायद ये रेमनेंट्स हैं जो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, कैपिलरी वॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स,
यहाँ पे जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब ये VLDL LDL ये सारी चीजें, तो अगर ये मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है तो इसका परिणति शायद जो होना चाहिए फैटी एसिड्स कन्वर्जन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ लाइपेज कन्वर्जन फ्रॉम फैट्स टू फैटी एसिड, शायद ये नहीं होता होगा, ऐसा ही कुछ दिखाया होगा ठीक है, आदित्य बिकॉज सर से दिस। पूछते हैं, सर ये आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मुझे ये इसीलिए लाना पड़ा कि मुझे ये बताना था कि पर्पटिकल ये सारा सिस्टम को भी अच्छा कर देता है। सर आदित्य सर आप इसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा सभी लोगों सर एक्चुअली में क्या होता है, जो फैट होता है वो खाली जगह रहती है मेनली, जो येलो फैट होता है ना वो वातज जैसी स्थिति होने लगती है धीरे धीरे, तो वो डेड स्पेस जैसी रहती है। अभी क्या है, स्टीटो हेपेटाइटिस जैसे बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, जहाँ पे अग्नि कम होती है वहां पे होता क्या है, अल्कोहल या नॉन अल्कोहलिक, आजकल तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ज्यादा हो गया अल्कोहल से, जो भी हम टॉक्सिन्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है लिवर में ये फैट डिपोजिशन हो जाता है, और ये एक तरह का आम कह लो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं ना कहीं वातज बोल लो, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो खाली रहते हैं सेल्स, सेल्स एक तरह से खाली रहते हैं हिस्टोपैथ में, और जो फैट रहता है बहुत हल्का है वो रहता है, तो वो चिपका रहता है हर जगह लिवर में। तो अभी क्या है, जो अगर आपका कुछ हद तक शरीर का बल होता है, जीवन अग्नि जब अच्छी रहती है तो आप कुछ भी खाओ पच जाता है, तो वो लिवर में डिपॉजिट नहीं होता है, जब पचना बंद होता है तब लिवर में डिपॉजिट होना चालू होता है। तो अभी जैसे इसमें लिखा है ना काइलोमाइक्रॉन्स, तो काइलोमाइक्रॉन्स ये जो भी हम लिपिड खाते हैं वो काइलोमाइक्रॉन्स में बदल के बॉडी यूजुअली जो मतलब हमें जो सिखाया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में फिजियोलॉजी में, और कि काइलोमाइक्रॉन्स में बदल के बॉडी फैट लिवर में ले जाती है और लिवर वहां पे डील करता है। एक्चुअली लिवर अगर आप देखें ना तो एक डेंस ऑर्गन है, एक डेंस ऑर्गन है और ग्रहणी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, तो वहां पे कहीं ना कहीं लौह तत्व लिवर में ज्यादा रहता है, डेंस ऑर्गन रहता है, ग्रहणी में लौह तत्व नहीं रहता, वो तो रॉ मटेरियल आपको दे देती है रस बना के, तो लिवर उसको फिर पचाना चालू करता है। तो जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं इसको प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भारी रहते हैं तो प्रोटीन्स के साथ वो कंबाइन करते हैं और फिर लाइपो प्रोटीन्स बनते हैं, बोले तो कुछ जो डेंसिटी में कम रहते हैं उनको बोलते हैं, जहां पे आम ज्यादा रहता है तो वेरी लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन, लो डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ने लगती है मतलब लौह तत्व या आप प्रोटीन बोल लीजिए या कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में आप मेटल का जो लौह तत्व रहता है बढ़ने लगती है, वो HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाने लगता है। तो यूजली बोलते हैं कि जैसे HDL हो जाता है तो मतलब उससे वो आम या जो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो खत्म हो गया, तो बॉडी में वो फिर अग्नि की तरह घूमता है और जहां पर आम पड़ा है वहां से वापस लाता है। ये मैंने आपको बहुत ही ठेठ भाषा में और समझने वाली भाषा में बताया सर। और सर जैसे आतव होते हैं, अरिष्ट होते हैं, तो वो तो बायपास कर जाते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को, तो जितना भी लिपिड रहता है, जो ग्लूकोज रहता है उसको सब वो थ्री थ्री मॉलिक क्या तीन कार्बन दो कार्बन की एसिड्स को डायरेक्टली वो NADH NADPH एंटीऑक्सीडेंट्स डायरेक्टली सब बाईपास करके काइलोमाइक्रॉन्स को भी बाईपास कर जाते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब जो फॉर्मुलेशन है हमारे आयुर्वेद की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन आएगी आगे, कोई वेस्टर्न का कोई स्कोप नहीं आगे, आगे चल के आएगी, बस यही है कि हम इतना डिस्कस करें हम इंडिया पहले लाए बजाय विदेश पहले लाने के, नहीं तो वो तो हमारा चोरी करके सब कर ही रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, सर आपने बहुत अच्छे बताया। हाँ बोलिए अनुरिता मैम। ये इससे रिलेटेड ही सर आज की जो मैंने रिपोर्ट डाली है ना सर, जो पेशेंट को एक्चुअली कल कार्डियक इससे हमने निकाला, लेकिन वो उसकी जो रिपोर्ट है ना इट डिपिक्स दीज ऑल थिंग्स सर। इसी का LDH 377 है और इसका हर जगह पे ना मतलब जो स्प्लीनिक आर्टरी है जो बाइल पहुंचाने वाली आर्टरी है ये सारी जगह पे ना वहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक लीजेंस है, तो वो सारी चीजें मतलब जैसे हम बोलते हैं ना फैटी लिवर, तो फैटी लिवर के बियॉन्ड जाके संप्राप्ति क्योंकि स्कैन है तो डिटेल दी, इसलिए मैंने शेयर किया था इस पे, तो आपको टाइम नहीं मिला होगा इसलिए एक बार देख लीजिएगा, बट तो ये सर उसी को रिलेट करता है। तो यही होता है सर, वो जो आम जहाँ बढ़ जाता है लो डेंसिटी हो जाती है वो कहीं ना कहीं चिपकेगा, लिवर में नहीं चिपकेगा तो धमनियों में धीरे धीरे चिपकेगा, तो इसलिए वो VLDL और LDL को एथिरोस्क्लेरोसिस के साथ कोरिलेट किया गया। एथिरोस्क्लेरोसिस जाने एथिरो बोले तो प्लेक, बोले तो आम बोलते हैं, प्लेक्स और प्लेक्स हाँ सर, यहाँ पे मैं इनका वर्डिंग बताती हूँ ना स्क्लेर सर क्या है, जी हाइपोडेंस पार्शियल ईसेंट्रिक प्लेक सीन इन बाइफरकेशन इनटू स्प्लीनिक आर्टरी एंड कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ये दोनों भी चीजें जो है लिवर के पास में रहती हैं। नॉन ओपेसिफिकेशन ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेकिन देर इज अ कंप्लीट थ्रोम्बोसिस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सर अभी ये थ्रोम्बोसिस भी तो मेद ही होगा, अपचित मेद होगा, आम होगा, ऐसे ही होगा ना सर ये।
जी एंड जी देयर मैम, इज एन और इंफीरियर, हाँ बराबर, वो सर भी वही बात बता रहे हैं, वो जो बोल हाँ रहे हैं वो वही वही वही, बता रहे हैं जी। और वो बाइफर्केशन पे, क्योंकि वो रहता है ना जैसे रास्ता, वहां पे ज्यादा एजेस पे टकराव होता है, जब दो आर्टरी जब दो में डिवाइड होती है तो वहां पे मिलता है, इसलिए यूजुअली आमतौर पर। और फिर ये डिपॉजिट होता है तो फिर वो वात मतलब जन संप्राप्ति आम के कारण वो सब संप्राप्ति चालू करता है। और हमारे पैथोलॉजी में बोला है कि इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है, बचपन में सारी नाड़ियां अच्छी रहती हैं तब आम ये एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बढ़ता ही है या स्टैटिक रहता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। फिर वो दवाइयां जो लेकिन देते हैं स्टैटिन, वो क्या करते हैं, वो टेम्पररी बस काम करते हैं जी सर, वो? वो जो लाइपोप्रोटीन्स का बनना ही कम कर देते हैं, तो कहीं ना तो जैसे जहाँ पे अब कहीं ना कहीं काम करते हैं, अभी समय एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या जब हम स्टैटिन्स देते हैं, मेरे को फिजियोलॉजी रिवाइज करनी पड़ेगी वो फार्माकोलॉजी में जाके गिलमैन में, लेकिन जब हम स्टैटिन्स देते हैं तो सर क्या होता है, हम ऐसे इफेक्ट्स देखते हैं कि जहां पर एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है या जहां पर मेटाबॉलिज्म बोले तो जहां पर हमें पित्तज या जहां पर हमें मूवमेंट चाहिए, साफ सफाई या एक्सचेंज गैसियस, जैसे आईज में हमें मूवमेंट चाहिए, जैसे कैटरेक्ट में कोई क्रिस्टलाइजेशन ना हो क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो नहीं रहता, ऐसी गैस्ट्रोक्नीमियस जो अपने पैर की नीचे वाली मसल रहती है वो सेकंड हार्ट बोलते हैं उसको, कि वहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म बॉडी का चलने फिरने में वहां पे कंजम्पशन होता है, स्केलेटल मास जो अच्छा मास होता है वहां पे रहता है। तो ऐसी ऐसी जगह पे क्या है ना, वो स्टैटिन जैसे वर्ड ही ना वो उसको रोक देता है, वो बनने से ही रोक देता है। तो ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कंज्यूम होता है ना वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगती है फिर, जैसे आपको मसल इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, कैटरेक्ट मिल सकते हैं, ये सारी चीजें सर। तो वो पैथोलॉजी को मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिरा देगा लेकिन उसकी संप्राप्ति पे वो नहीं एक्ट करता है, मतलब वो जहां से चालू होती है ना प्रॉब्लम वहां पे एक्ट नहीं करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिरेगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में कम से कम डिपॉजिट नहीं होगा। आज तो आप देखिए ना 40% लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, तो बुढ़ापे में देखा जाएगा कि जो हार्ट अटैक के रेट्स कम हो गए, 1-2 साल उम्र बढ़ गई है, 5 साल उम्र बढ़ गई है, क्योंकि आर्टरीज में वो आम जा नहीं रहा, लिवर तक ही है वो या मसल्स तक ही है वो, वहां से मोबिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो ये इस कारण से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, कैटरेक्ट, लेकिन आर्टरीज कम से कम क्लीन रहती है क्योंकि उसने जो डायनेमिक प्रोसेस है वो रोक देता है। जी सर, जी हम सर, सर मुझे ये पूछना था कि अगर HDL आपको रिपोर्ट में लिमिट से ऊपर दिख रहा है, जब भी HDL अच्छा माना जाता है, अगर हाई लिमिट से ऊपर दिख रहा है तो फिर क्या मतलब समझेंगे सर, आदित्य सर? सर उसको सारी दूसरी रिपोर्ट के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा, पेशेंट के उसके साथ, जैसे एचडीएल कितना दिख रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल कैसा है, एज क्या है पेशेंट की, पेशेंट का जो दूसरी मतलब आप बोलने तो सिंपल वर्ड में कि पाचन क्रिया और जनरल मेटाबॉलिज्म खाने पचाने की शक्ति कैसी है। तो एचडीएल यूजुअली अगर बड़ा रहता है नॉर्मल से थोड़ा बहुत, जैसे जैसे नॉर्मल लिमिट है उससे अगर 20, 40 या 25% भी बड़ा रहता है तो उतना वो, और दूसरी चीज सब नॉर्मल है तो उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर मान लीजिए सब दूसरी चीजें भी हाई है तो फिर हम क्या मानेंगे इससे, मतलब एलडीएल भी आप एक हाई बार है? रिपोर्ट शेयर कर लीजिएगा, एज, जेंडर, ओके रिपोर्ट, ओके ओकोबर्ट ठीक सबको बता दूंगा। ओके ओके ठीक है। कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी, ऐसे आपका क्या अनुभव है गृहिणी चिकित्सा में? प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक है सर, और आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जैसे आपने तकरा के बारे में बताया तो वो मेरा बहुत फेवरेट हो गया। अभी आप जब से आपको सुन रही हूँ ना, जब से मैंने मोस्ट ऑफ जितने भी गृहिणी के पेशेंट होते हैं, मैं तो बोलूंगी मैं जितने भी पेशेंट देख रही हूँ उनको सबको ही तकरा का महत्व समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब इसमें ये तकरा की, इसमें मुझे वेट लॉस में भी बहुत अच्छा फायदा मिला है। गृहिणी पेशेंट तो वैसे भी ठीक हो रहे हैं तकरा से। इवन मैंने जैसे तकरों को पेशेंट में एक सिंपल डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ऐसे कंप्लेन करके लेके आते हैं, तो भी वो तकरा वहां पे बहुत अच्छा, मतलब हर एक पेशेंट में मुझे फायदा दिखता है तकरा का। और आपने जैसे क्रव्याद मांस रस बोला, तो मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि पक्षी जो होते हैं वो भी फिश वगैरह जो तालाब की वगैरह खाते हैं, तो उनका मांस भी हम क्रव्याद मांस रस में पकड़ सकते हैं क्या सर? हाँ जरूर, जो जो भी मांस भक्षी प्राणी है उनको भी क्रव्याद माना जाता है। हाँ, तो मतलब फिर जैसे सर हम चिकन सुबह, खाने वाले बोलेंगे कि वो खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं।
हाँ तो वो भी हम हाँ यहाँ पे मतलब सोच सकते हैं कि वो क्रव्याद में जा रहा है करके, है ना। हाँ तो हाँ ये एक हमको एक अच्छा मिला कि हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना पक्षी पानी में रहने वाले भी जो तैरते भी है और उड़ते भी है, तो वो भी छोटे छोटे कीड़े, या बहुत बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि फिश भी खाते हैं, छोटी छोटी फिश भी खा लेते हैं, तो इनका मांस रस हम कर सकते हैं या फिर मांस भी बोल सकते हैं। और आपने ये बहुत अच्छा बताया कि जैसे आपने कफज और पित्तज ग्रहणी का भी बताया था कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे बिलवारी चूर्ण के साथ हम प्रवाल पंचामृत कामधुधा ऐड करें, सेम मैं यही यही वैसे यूज करती हूँ सर। आपने कफज और पित्तज का बताया, पर वातज में हम बिलवादी चूर्ण ही ऐड करें या फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा दूसरा रहेगा? वातज में तो ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब रुक्षता रहती है ना, तो उसमें हाँ घृत कल्पना है, जैसे पिप्पल आदि घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, महातिक्त घृत कल्पना है दे, या फिर मक्खन वाला मतलब थोड़ा सा मक्खन डाल के और वो तक कर दे, ऐसा बोला। हाँ तो यहाँ पे हम प्रवाल पंचामृत पंचामृत परपटी भी ऐड कर सकते हैं क्या सर वातज में, या नहीं हमें यहाँ पंचामृत पे परपटी सभी ग्रहणी रोगों के लिए चलेगा? श्रेष्ठ है। हाँ हाँ तीनों में चलेगा। हाँ ठीक है। और मुझे ना एक क्वेश्चन और था कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे पेशेंट, मैंने एक लेक्चर सुना था किसी का, तो वहां पे वो बोल रहे थे कि हम जो खाने में जो खाते हैं तो उसमें जो लिपिड्स है, तो ऐसे हम बोलते हैं कि लोग पूरा समझो लिपिड्स उनके बढ़ के आए, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आया, तो पूरा घी और तेल पूरा बंद कर देते हैं। पर मैंने उनका लेक्चर जब सुना था तो वो ऐसे बोल रहे थे कि हम जो खाने में खाते हैं उससे नहीं बढ़ता है, पर अगर हमारा लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल दिखता है। तो सर ये कैसे मतलब सच्ची बात है ये, या मतलब कि हमको हम जो खाने में अभी हम तो देखिए बोलते सर हैं ने क्या बताया, डॉक्टर आदित्य सर ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, वो बोल रहे हैं कि एचडीएल एलडीएल का कॉन्सेप्ट बताया, आम आम का कॉन्सेप्ट हाँ बताया, धात्वग्नि लेवल पे मतलब सूक्ष्म पचन के लेवल पे जो आम का कॉन्सेप्ट बताया। आदित्य सर आप एक बार फिर से बताइए। प्लीज सर, जी सर। क्योंकि मैं सुन नहीं पाई वो, प्लीज प्लीज हाँ बताना आदित्य सर, मैम। आपने तो जो मैम एचडीएल एलडीएल बताया, इसमें मैम दोनों चीजें रहती हैं कि अगर सपोज आप जानवर का लिपिड खा रहे हैं, क्योंकि वो लोग डिफरेंशिएट नहीं करते लिपिड वर्सेस लिपिड, अगर आप ए टू गाय का लिपिड ले रहे हैं और आप जर्सी गाय का लिपिड, तो दे डोंट डिफरेंशिएट इट। तो क्या है कि बेसिकली अगर आप ऐसी चीज खा रहे हैं जो बाहर चिपक रही है, चाहे बर्तनों में चिपक रही है, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बहुत क्रूड एग्जाम्पल समझाने के लिए, बर्तन में चिपक रही है, आपको लोहे का वो यूज करना पड़ रहा है साफ करने के लिए जो क्षारीय रहता है, तो अंदर भी हमें क्षारीय चीजें यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वो मोबिलाइज नहीं होंगे, तो बाहर ही चिपक रही है। तो लेकिन अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे घी ले लीजिए और दही ले लीजिए, घी उतना नहीं चिपकता है अगर प्योर घी हो जितना दही चिपकता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैम लिपिड खाने में रहता है क्योंकि ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, कि उन्होंने देखा कि लिपिड हम बाहर से लेते हैं खाने, मिक्स स्टडीज है, अलग अलग पॉपुलेशन की स्टडीज है, कोई यूरोप में कोई यूएस में, यूएस का फैट खराब फैट रहता है, यूरोप का फैट यूजुअली बेटर फैट रहता है, इंडिया के कुछ पॉकेट्स में स्टडीज हुई है, मिक्स रिजल्ट है, तो उन्होंने मेटा एनालिसिस करके वो लिपिड वर्सेज लिपिड को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो मैम भोजन का भी रहता है और फिर अंदर की अग्नि का भी रहता है, मतलब आप किस तरह से खाना खा रहे हो, किस टाइप का फैट खा रहे हो, कृत्रिम फैट खा रहे हो क्या, और अंदर की अग्नि मतलब किस तरह की आपका मेटाबोलिज्म, किस तरह का आप उसको मूव कर सकते हो, लौह तत्व कैसा, अग्नि कैसी जल रही है। जी मैम ये थैंक यू सर, मतलब ये बहुत अच्छा बता दिया आपने। तो मेरा ऐसे ही होता था कि बहुत बार पेशेंट आता है, उसको अगर हम हिस्ट्री पूछे तो ऑयली कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर भी उनके लिपिड्स हाई आ रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पे हमारी अग्नि का ही कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ऑयली जो खा रहे हैं उनका समझ सकते हैं कि चलो ठीक है वो खा रहे इसलिए ये हो रहा है, पर किसी जी मैम, कारण अगर कहीं ना कहीं अग्निमान स्रोत जो अवरोध है। या अग्निमंत्र। हाँ जी मैम जी बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया, थैंक यू सर। जी सर जो आपने आगे कोई मास और बोलिए। राम सर राम सर सर जो आपने मास रस के बारे में बोला था, तो जलोका को हम क्या बोलेंगे? जलोका तो खून ही लेते हैं पीते हैं, तो फिर वो जो चीज है जलोका का, जो अगर मास रस बना रहे हैं तो वो भी आ जाएगा उसमें? नहीं ऐसे नहीं, वो मास्टर्स नहीं, नहीं हाँ उसको नहीं बोलेंगे, जलौका का कौन खाता है, चाइनीज लोग खाते हैं। ये टॉपिक बंद करके आप वातज ग्रहणी की चिकित्सा के बारे में बताइए ना सर, नहीं क्योंकि वो वातज चिड़िया ग्रहणी वाले। बर्ड्स और मैमल्स ही आएंगे मैम, वो कृत जो क्या हाँ बोलते हैं, नॉन वेज कार्निवोरस, जिसमें हाँ मांस रहता सर, है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना बर्ड्स में भी जो प्रकार है,
तो उसमें जो बाकी कीटक वगैरह खाते हैं उनका अग्नि ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे हेन है जो, और जो पीजन्स है, या जो जो बाकी दूसरे भी इस पे रहते हैं, तो उनका हम कोशिश करके देख सकते हैं, उनका देख के देख सकते हैं सूप। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे शेर और लोमड़ी जो जो मांस खाने वाले प्राणी हैं, जो मतलब मैमल्स हैं, उनके बारे में ज्यादातर बोला गया है। मैम शायद यही मैम सही है मैम, क्योंकि मांस को कैसे वो मोबिलाइज करके अपने मांस में बदल दे रहे हैं, वो अग्नि धातु मांस लेवल पे अच्छी है सर। उनका पेप्सिन कैसे होगा, हथौड़े की तरह वो तोड़ता होगा ना मसल्स को। पेप्सिन पेप्सिन अमाइलेज जो भी है वो बहुत हाई, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे होंगे। इन शॉर्ट अग्नि, अग्नि कैसा है उनका, उस पे मांस अग्नि अच्छा होगा और वो मांस रस खाने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं कि स्वर्ण पर्पटी। स्वर्ण पर्पटी जो होता है वो अगर ना पित्तस है, मतलब पित्तस ग्रहणी है, तो भी इस स्वर्ण पर्पटी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। स्वर्ण पर्पटी गोल्ड से बनाता है, इसमें शुद्ध सोना रहता है, ये पाचक रहता है, दीपक का कार्य करता है, दीपनीय काम करता है, वृष्य कार्य करता है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है। बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं जिनका मतलब मेल्स में इनफर्टिलिटी रहता है कि उनका स्पर्म काउंट लो है, ग्रहणी दृष्टि लो स्पर्म काउंट है, या फिर एएमएच कम है। आजकल क्या हो रहा है कि आफ्टर 35 इयर्स लो एएमएच, एएमएच कम है, एंटी मिलेरियन हार्मोन कम है, बच्चे नहीं हो पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे, आईवीएफ जाना पड़ता है। तो इसमें 24 वाले भी है, 24 और 25 वाले भी है जिन्होंने पीसीओडी का ट्रीटमेंट लिया है, उनका भी एएमएच बहुत कम रहता है। हाँ, तो जो भी ना जहाँ पे वृष्य काम होना चाहिए स्त्रियों में या पुरुषों में, तो उसके लिए स्वर्ण पर्पटी जरूर देना चाहिए। उसी तरह से रसायन का कार्य करता है ये, योगवाही कार्य करता है, जंतुक नयन त्रिदोष नाशक है। और इसके फल श्रुति में क्या बोला है, ग्रहणी विविधाम हंती यक्ष्माणम च विशेषता, मतलब ये यक्ष्मा और हर तरह के ग्रहणी में काम करता है। अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको टीबी हो गया है, यूट्रस का टीबी हो गया है, फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक है, तो इसमें हम लोग मेडिसिन सोचते हैं क्या देना चाहिए, तो आप राजमृगांक रस दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज वो दीजिए, लेकिन स्वर्ण पर्पटी देना, क्योंकि ग्रहणी विविधा अंतिम यक्षमाणम च विशेषता ऐसा बताए, तो ग्रहणी दृष्टि भी ठीक होगा, यक्षमा भी ठीक होगा। फिर उसके बाद में इंटेस्टिनल कॉचेस जो बोलते हैं कॉक्स, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। ग्रहणी और राज यक्षमा के कारण बल मास क्षय हो जाने के कारण बलाधन करने के लिए, मतलब बल को बढ़ाने के लिए स्वर्ण पर्पटी का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। रस योग सागर नाम का जो पुस्तक है उसमें अलग अलग अनुपान बताए हैं, जैसे वात का प्रकोप हो, ये देखिए सुनिए, वात का प्रकोप हो तो स्वर्ण पर्पटी को वंश लोचन के साथ लेने के लिए कहा गया है। पित्त का प्रकोप हो तो मिश्री के साथ लेने के लिए बताया गया है। कफ का प्रकोप हो तो वंश लोचन मधु और पिपली का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बताएं, कुछ योग बताएं, जैसे कि पित्तज ग्रहणी है, दुर्बलता है और भार क्षय है, मतलब बहुत वेट लॉस हो रहा है, दुर्बलता है और पित्तज ग्रहणी भी है। ज्यादातर जैसे कि हमारे पास आते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट आते हैं, उनको पित्तज ग्रहणी का सारा सिम्टम रहता है, अम्ल पित्त है, खट्टी डकार आ रहा है, खाना पच नहीं रहा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, और उनको बहुत मतलब पूरा पित्तज ग्रहणी के गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट ऐसे आते हैं। तो उसमें स्वर्ण पर्पटी, बाकी तो आप मतलब वो फोड़ने के लिए आप दवाइयां दीजिए, अश्मरी भेदन के लिए दीजिए, लेकिन ग्रहणी कला को अच्छा करना है हमें, और वेट लॉस को भी ठीक करना है, दुर्बलता को भी ठीक करना है, ग्रहणी को बल देना है, उसमें हमें स्वर्ण पर्पटी 1 रत्ती, वंश लोचन 10 रत्ती, या फिर आप 1 to 50 ग्राम इतना ज्यादा मात्रा में वंश लोचन के साथ मिक्स करके दीजिए, और अनुपान में मधु और मक्खन नवनीत दीजिए। उसी तरह से मैं सारा PDF आप लोगों को देने वाला हूँ। स्वर्ण पर्पटी 1 रत्ती, मौक्तिक युक्त कामलुदा 2 रत्ती और कुटज घन 1 ग्राम, इन सबको मिक्स करके बिलवा वलेह के साथ देना है, सुबह शाम देना है, तो यह पूरी तरह से पित्तज ग्रहणी को ठीक करता है। ठीक है, और वहां पे बल देता है ग्रहणी कला को। इसी तरह से कुछ कुछ और पर्पटियां बताई हैं हमारे ग्रंथों में, जैसे कि लौह पर्पटी है वो पित्त कफग्न है, पित्त और कफग्न है। लौह पर्पटी जो है वो शुलग्न है और शैथिल्य हर है, मतलब वहां पे जो शिथिलता आ गई है इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है, वहां पे अलग अलग लेयर्स है, उसमें शिथिलता आ गई, उसके मतलब शैथिल्य हर है और शूल को दूर करता है, पेट में अगर दर्द भी हो रहा है उसको भी यह ठीक कर देता है। इसी तरह से
अगर वहां पे परिणाम सूल है, खाना खाने के बाद पेट दर्द हो रहा है, ड्यूओडेनल अल्सर है, तो उसमें भी यह बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से सुतिका अवस्था है और ग्रहणी रोग है, मतलब आफ्टर डिलीवरी किसी को ग्रहणी रोग या सुतिका अवस्था है, तो उनको भी यह लौह परपट्टी देने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पांडु रोग है, बहुत बढ़िया काम करता है। कामला रोग है, उसमें लौह परपट्टी बहुत अच्छा काम करता है। खून की कमी या जॉन्डिस, इसमें लौह परपट्टी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ताम्र परपट्टी, ताम्र परपट्टी में ताम्र मेन रहता है और यह कफ वातग्न है, कफ और वायु को दूर करने वाले कफ वातग्न ग्रहणी रोग में काम करता है। अग्निवर्धक है, कफ को लेखन करता है, पित्त का अच्छे से रेचन करता है, कफज ग्रहणी में बहुत अच्छा काम करता है। और वो आपकी मंदाकिनी मैम आती है ना, उनके मंदाकिनी मैम के बच्ची को वो था मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी, तो उनको मैंने ताम्र परपट्टी का योग भेजा था, पूरी बच्ची ठीक हो गई ना। तो मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी के जब भी आते हैं पेशेंट आपके पास, मेसेंट्रिक आर्टरी के पास लिम्फ नोड जो रहता है या फिर मेसेंट्रिक एरिया में पूरा लिम्फ नोड में स्वेलिंग है, तो मेसेंट्रिक सर, तो नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा में हम रस परपट्टी दे सकते हैं सर? जरूर दे सकते हैं, जहां पर लेखन कार्य करना है आपको, लेखन कार्य करना है, लेखन, हाँ हाँ, वहां पे ताम्र परपट्टी का प्रयोग करिए लेखन कार्य करना। अच्छा। हाँ ठीक है। उसी तरह से एक आता है विजय परपट्टी, यह पित्त शामक होता है, बल्ले होते हैं और रसायन होते हैं, और ग्रहणी जन्य मानस लक्षण जैसे चिंता, भ्रम और पाल्पिटेशन हो रहा है, उसमें विजय परपट्टी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से होता है बोल परपट्टी, यहाँ जहां पर पित्त कफग्न संप्राप्ति है, पित्त और कफग्न वहां पे ये काम करता है, और रक्त स्तंभक रहता है, ग्रहणी पित्तज ग्रहणी है और रक्तार्श है, ब्लीडिंग पाइल्स है, वहां पे बोल परपट्टी का प्रयोग करने से, जो काला बोल होता है ना, जो कुमारी को सुखा के एलोवेरा का जो अंदर का जेल होता है उसको सुखा के बोल परपट्टी बनाया जाता है, मतलब वो काला बोल बनाते हैं उसको परपट्टी में, परपट्टी की तरह बना के फिर प्रयोग करते हैं। बोल परपट्टी जो होता है रक्तार्श में बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद अब ये परपट्टी कल्प पे किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किसने यूज किया है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं वसंत कल्प इसके बाद बताना चाहता हूँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। सर एक पीसीओडी की पेशेंट है, एएमएच उसका लो है, 30 इयर्स फीमेल है, रिसेंटली मैरिड है, इंजीनियर है। सर उनको मैं आज, वैसे आपने बताया स्वर्ण परपट्टी भी बनाता, मैं आज ले आऊं क्या सर? हाँ लाइए सर, लाइए सर। ठीक ठीक सर। हाँ सर, जो आपने अभी एएमएच रिलेटेड जो ये बताया, तो वहां पे हमें सुवर्ण परपट्टी का यूज करना है ना, जहाँ पे हमें अर्थव और शुक्र पे काम करना है या बल्ले काम करना है? क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट में सुवर्ण परपट्टी और विजय परपट्टी ये दो चीजें और पंचामृत बहुत यूज करती हूँ, तो वही मैं पूछना चाहती थी। सुवर्ण परपट्टी हमें जहाँ पे बल्ले और ओज पे काम करना है या शुक्रल काम करना है वहां पे वृष करके देना है, बराबर ना? और सिर्फ कफज है वहां पे जहाँ पे लेखन कार्य करना है, वहां पे ताम्र परपट्टी और जो बिलवादी त्रिकटु प्रवाल पंचामृत ये कॉम्बिनेशन आपने जो बताया वो करना है ना। हर चीज का ऐसे ही आंख बंद करके यूज नहीं करना है। ताम्र परपट्टी लेखन कार्य करता है, वहां पे ताम्र लेखन कार्य कहाँ करना है वो देखिए, जहाँ पे बल बढ़ाना है, वृष्य काम करना है, शुक्र धातु बनाना है, वहां पे स्वर्ण परपट्टी, ऐसे मतलब हर चीज को सोच समझ के यूज किया करिए। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर एम वी महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? शशि तिवारी मैम, आपको कैसा लग रहा है आज का लेक्चर? कुछ समझ आ रहा है क्या कि मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊं? वैद्य शशि तिवारी मैम, विनीता चौहान मैम, कुछ बोलिए आप लोग। किसी को समझ नहीं आ रहा है मेरी बात तो आप बोल सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ, सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप। मैं यूज करती हूँ परपट्टी। जी सर, मैं करती हूँ परपट्टी यूज, पंचामृत परपट्टी मेरी फेवरेट है, तो मैं हर ग्रहणी में करती हूँ सर उसको। बहुत अच्छा। तो कैसा रिजल्ट आता है, कितना मात्रा में देती है? अच्छा रिजल्ट आता है सर, मैं 125 mg देती हूँ और टक्कर के साथ सेवन करने के लिए बोलती हूँ। जी जी सर। और सर मुझे एक और चीज बतानी थी। हाँ। सर विदिशा है ना, जिसका ट्रीटमेंट चला था सर, 10th के बोर्ड में इसके 98.2% आए हैं सर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। आपका आशीर्वाद है सर, आपकी मेडिसिन का भी सर। आप एक बार उनको लेके आएंगी हमसे बात कराने के लिए नेक्स्ट सेशन में? सर मैं अभी जाऊंगी घर पे अभी उसको मिलने, तो फिर मैं पॉसिबल होगा तो मैं बात करवाऊंगी आपसे। हाँ, उनका क्या केस था एक बार यहाँ पर बताइए सभी लोगों को।
मैकुलर डिजेनरेशन का केस था सर, फिर आपके यहाँ से मेडिसिन चली, हेडेक रहता था उसको, प्रॉब्लम होती थी देखने में, तो बाकी तो अभी टेस्ट वेस्ट नहीं करवाया, लेकिन वो हेडेक उसका वो रिलीफ हो गया, वो फोकस भी काफ़ी रहती है, काफी मेहनती है सर, लेकिन अगर हेडेक होता रहता तो फिर इतना पॉसिबल नहीं होता। और आपने जो मेडिसिन दी है 98.2 सर, 98.2 टेंथ बोर्ड में सर, सीबीएसई में। देखिए अनुरिता मैम कितना अच्छा मार्क्स लाए, आंखों का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, अभी कितना पढ़ पाती हैं वो सर पूरे टाइम तो। थैंक यू मैम, आप लोगों का आशीर्वाद है सर। वो मतलब वो बहुत कम टाइम वेस्ट करती है, बहुत ही फोकस्ड है, पढ़ती रहती है वो लैब, उस पे टैबलेट पे पढ़ती है, बुक से पढ़ती है और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ती है, मतलब काफी कंटिन्यूअस स्टडी चलती रहती है उसकी। हाँ, मैंने उनको वृहदवासकादि कषाय भेजा था, सप्तामृत लॉ भेजा था, सूक्ष्म त्रिफला भेजा था, ताप्यादि लॉ भेजा था और त्रिफला भेजा था, और मैम ने शायद त्रिफला घृत खिलाया था उनको बहुत ज्यादा, और नॉर्मल नॉर्मल घृत आंखों में मैम नहीं डाला था, नस्य थी या मात्रावस्थी थी मैम, बहुत अच्छी नस्य बात और मात्रावस्थी। तो अभी उसका दूसरा स्कैन हुआ है, मैक्यूलर डिजनरेशन हट गया कि नहीं, उसके लिए 20 स्कैन किए हैं मैम? 20 स्कैन नहीं किया है क्योंकि बीच में ना इंटरप्ट हो गई थी मेडिसिन, तो फिर अभी फिर दोबारा से कंटिन्यू करके फिर वो स्कैन कराएंगे। करा लीजिएगा मैम, करा लीजिएगा। लेकिन वो बच्चे एग्जाम दे पाए और मैरिट ऑल ओवर इंडिया में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्ची को हमें मतलब ये निकालना था, टेंथ से मतलब जंप कराना था, और इतना अच्छा मार्क्स लाई 98.2। यस सर, सोचिए 100 में से कितना कम है सर, 9 मार्क्स कम है, सोचिए 500 में से 9 मार्क्स कम है उसके, 491 है, सोचिए कितना अच्छा मेहनत किया। मैथ्स में फुल है सर उसके, मैथ्स कंप्यूटर में और साइंस में 98 है, एसएसटी में 99, बस इंग्लिश में 95 है। अच्छा, बाप रे, इतने पढ़ाकू बच्चे। अनुरिता मैम आपको 10th में कितने मार्क्स थे? आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट सर इन 10th में, दिल्ली बोर्ड में 100 out of 100 मैथ्स में थे, साइंस में 93 थे, इंग्लिश में 94, लेकिन सर वो मैं कौन से जमाने की, 92 की बात कर रही हूँ सर, किसी से भी क्या कंपेयर करें सर, तो आजकल के बच्चे बहुत लाते हैं सर, बहुत तो ज्यादा लाते हैं। अगर 12th में ऐसे मार्क्स आए तो आराम से एमबीबीएस में मिल जाएगा एडमिशन। नहीं बनाइए सर, मैंने बिलीव कीजिए मेरा रिकॉर्ड किया हुआ है बच्चों ने, मैंने अपने स्टूडेंट के उनके भाई बहनों को भी मैंने बीएमएस के लिए कन्विंस किया, एमबीबीएस करके क्या सैचुरेशन ही तो बनाएंगे सर, कहीं पे जीबी प्रैक्टिस करेंगे और कहीं पे माल प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट की जॉब में लगेंगे। अच्छे चिकित्सक बनना है तो आयुर्वेद में आना है सर, इसलिए चाहिए एमबीबीएस सर जी। तो देखिए विनीता मैम, अभी आपको कितना परसेंट लग रहा है कि वो ठीक हो गई है आंखों का प्रॉब्लम, कितना परसेंट? सर मुझे तो लगता है मतलब 40-50% तो हो गई होगी वो। ठीक है, हम आगे का भी ट्रीटमेंट करेंगे, वो थोड़ा भी रिलैक्स हो गई है, और लेकिन आयुर्वेद में ही इसका इलाज है, एलोपैथी में नहीं है इलाज। जी सर, वो एम्स तक दिखा चुके थे, तो एम्स वालों ने हमको ये कह के घर भेज दिया था कि इसका अभी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जब आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक भी ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन फाइनली रिजल्ट तो मुझे इसी में दिखा सर जी। तो हम लोग तो चश्मा उतार दिए, वो डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी है उनका चश्मा उतर गया, वो सुवर्णा मैम है उनका चश्मा उतर गया, अनुरिता मैम का नाइट का विजन अच्छा हो गया, क्रिकेट में इतना रन मारती है, इतना अच्छा करती है, वो सच में वृहदवासकादि कषाय आप लोग यूज किया करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। सर मेरी भी एक पेशेंट है, मतलब कॉलेज में प्रोफेसर हैं डीओ, पहले मैंने उनको दिया अभी मतलब 1 month भी नहीं हुआ, तो कहती थी पहले मुझे बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यूस 2-3 hours में पढ़ पाती हूँ बुक्स, मतलब इतना इम्प्रूवमेंट हो गया उनको। अच्छा। इस चीज का ऋण तभी चुक सकता है जब वो अपनी आंखें और बुद्धि, मतलब वो बहुत छोटी है और मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला, जिस जिन औषधियों ने उसको ठीक किया उस औषधियों में अपना जीवन लगा। जी सर। लेकिन सच में वो आयुर्वेद ने आंखें अच्छी की और हम अच्छा कर देंगे उनको, और अच्छा कर देंगे जी सर। अभी तो उसको बायो बहुत पसंद है, उसने बायो और मैथ्स दोनों लिए हैं, अभी आगे देखते हैं मतलब कहाँ बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है, हम फोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। हाँ, और ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू कराइएगा आगे। जी सर। हाँ जी सर। और दूसरा बात है कि आयुर्वेद पे विश्वास तो आ गया होगा उनको काफी हद तक पहले से।
जी सर, मतलब मेरे घर में पहले कोई आयुर्वेद फॉलो नहीं करता था, मैं कहती भी तो उनको लगता था बस ऐसे ही। जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है और रिजल्ट मिल रहे हैं तो मेरे घर में सब लोग लेने लगे हैं। इनफैक्ट मम्मी का भी ठीक चल रहा था, उनके डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोलैप्स आया था, मैंने ग्रुप में रिपोर्ट शेयर भी नहीं कर पाई। देखो उनको मात्रा वस्ती और मेडिसिन चल रही है, तो उनको मतलब 80% रिलीफ है सर। तो ये सब आप ही का आशीर्वाद है सर, आपका सिखाया हुआ है, नवीन सर का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग इतना हेल्प करते हैं। पापा जी, का भी जॉन्डिस का भी चल रहा है, तो उनको भी इम्प्रूवमेंट है सर। क्या दे रही हैं जॉन्डिस में आप? जॉन्डिस में सर उनको प्रोवाल पंचामृत दिया, आरोग्य वर्धनी दिया है, और वो दिया है फल त्रिकादि क्वाथ दिया है, और काम दुधा रस दिया है। वाह, अच्छा है ना, सही है। वो ज्यादा मेडिसिन सर ले भी नहीं पाता है ना फिर। सर हाँ ये हाँ जॉन्डिस का अभी मैंने सुना, तो मेरा एक पेशेंट आया था तो वो कुछ जॉन्डिस का कंप्लेंट कर रहा था। मैंने तो ट्रीटमेंट लिख के दी, पर इसमें ये कुछ ऐसे है क्या, जो चना होता है ना हमारा भुना हुआ चना, हाँ 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 तो उसका भी कोई रोल होता है क्या सर, और क्यों होता है उसका रोल मतलब। जॉन्डिस ठीक करने में हाँ तो वो बोल रहा था कि मेरे गांव में ऐसे बोला गया, बोले कि वो फुटाने खाओ करके। हाँ, वो ना हल्का रहता है और वो यकृत को शुद्ध करता है। सत्तू पीने के लिए कहा गया है, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। सर चना कहाँ, चना तो गुरु होगा ना चना सर, राही नहीं, होगा चना नहीं, चने को भून के जो फुटाने बनाते हैं महाराष्ट्र में, फुटाने फुटाने फुटाने। हाँ उसका उसको सत्तू सत्तू बनाना, बोलते हैं, पीस उसका सत्तू बनाना, उसको पीस के सत्तू के बनाया जाता क्योंकि है। वो सत्तू दे सकते हैं अगर लेकिन हाँ नहीं ये फुटाने अगर खाएंगे तो मुझे लग रहा था कि गैस बन जाएगी ज्यादा, पर नहीं, वो नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो लघु हो जाता है सर ना जब उनको भून देते हैं तो। सर लेकिन जी उससे ना एसिडिटी बहुत होती है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, तो जो लोग खाते हैं वो घी वगैरह डाल के खाते हैं ना, जी सर, घी या क्योंकि सर फिर वो ऐसे लिट्टी में, भूनकर। लिट्टी में वही तो रहता है ना, लिट्टी में वही तो स्टफ करते हैं, भुने चने का सत्तू प्लस उसमें हाँ अजवाइन और वो सब भी रहता है, तो जी वो एसिडिटी करता है। जी जी हाँ सर इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ये डाउट लगा, तो मुझे हाँ बोलूँ या नहीं बोलूँ मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, केवल वही नहीं काम करेगा, और भी मेडिसिन करना पड़ेगा। मैम साथ में नारियल पानी, गन्ने का रस और इस तरह से फिर हम लोग देते हैं आप एरंड पत्र का दोनों। स्वरस पीने के लिए दीजिए, मूली का स्वरस दीजिए। जी सर, पर मूली अभी इधर मिल नहीं रही है, तो हाँ तो पपीता देते हैं सर खाने हाँ के सर, लिए। क्वाथ ऐड कर देना मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी मैम, जी और मैम, सूखी एक बार रिपीट पेपर किसका क्वाथ, सर्वस, और किसका क्वाथ? सर्वकल्प क्वाथ करके आता है, उसमें पुनर्नवा भूमि आमला और मकोए है, तो ये भी बहुत अच्छा फायदा करता है जॉन्डिस में। और सर का जो फॉर्मूला है ना आरोग्य वर्धिनी तुलसी पत्र सरस के साथ, सच में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो भी मैम देना आरोग्य वर्धनी तो दे रही हूँ लेकिन तुलसी पत्र सरस मैं साथ वो में करूंगी सर। मैम। जी हाँ मैम, उसके साथ दीजिए। जी मैम, थैंक यू मैम। जी ठीक है, तो सर्वकल्प क्वाथ की अभी वटी भी आती है हेलो। ना? हाँ नहीं हाँ उसकी वटी नहीं आ रही है, पर दूसरे कॉम्बिनेशन में लीवामृत, लीवोग्रीट घर के टैबलेट्स आ रही है ना, तो उसमें है ये कॉम्बिनेशन सब। क्योंकि ना मैम बहुत कड़वा बोलते, कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल्प बहुत कड़वा है, तो काफी जने ना थोड़े दिन लेते हैं। नहीं कायाकल्प थोड़ा सा कड़वा है, सर्वकल्प का कोई प्रॉपर इतना टेस्ट नहीं है, आप उसमें मुलेठी ऐड करा के दीजिए, क्योंकि वो वैसे पेशेंट में मुलेठी भी चलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब उसका जो पित्त है वो तो पित्त शामक भी काम करेगा और थोड़ा सा रीजनरेशन में फायदा करेगा, तो मुलेठी ऐड करके दीजिए मैम, छोटे बच्चे भी आराम से ले लेते हैं, और मतलब अपनी मुक्त कॉम्बिनेशन क्या हो बताया जाते उसके, लिवामृत और हैं। लीवामृत है एक, लीवोग्रिट है, लीवामृत अच्छा एडवांस करके आ रही है, और एक कुछ तो भी नई टैबलेट निकाली है लीवामृत, मतलब आई नहीं अभी मार्केट में पर आएगी वो भी। किसी उदरामृत संभाषण में है किसी ने नाइरोसिल के पता नहीं कुछ टैबलेट कॉम्बिनेशन बताया, किसी ने तो भी नीरो, पिछले नीरोसिल, नीरोसिल नीरोसिल, नीरोसिल 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 कौन सी वो कंपनी की है नीरो? अरे सोलिमिक्स कंपनी, लीवर जो टॉनिक होता है पापेश्वर मैम की है, वो। जो हाँ, और पापेश्वर किसी कंपनी ने, का है वो सोलिमिक्स अच्छा अच्छा और कंपनी। अर्क भी है ना किसी कंपनी के लीवर के ऊपर, अर्क जैसे लीफ 52 वगैरह, या इसका मैम अर्क, ऐसे अर्क मकोई, मकोई और अर्क पुनर्नवा यूज करते हैं लोग इसमें,
मैंने से सुना है कि लिव 52 का भी कोई ऐसे ऑयल फॉर्मेट या अर्क फॉर्मेट में है जो, बट मैंने कभी यूज नहीं किया, इसलिए जिसने यूज किया था उसने कभी रेफरेंस दिया था समाशा में। मैम एक लिव 52 वो HB करके आता है, हेपेटाइटिस बी के लिए एक लिव 52 आता है, एक लिव 52 DS आता है डबल स्ट्रेंथ करके, और ड्रॉप भी आती है इसकी लिव 52 की। उसके अंदर सारे यकृत वाले ही ये होंगे। यस मैम, मैम लिव 52 बहुत पुराना ब्रांड है हिमालय का, मतलब बहुत पुराना, मॉडर्न वाले भी बहुत। न्यूरोथिल वायरल में ज्यादा काम। विनीता मैम, आपके बच्ची ने इतना बढ़िया काम किया है, दिल से मुझे खुशी हो रही है। 98.2 टेंथ बोर्ड में मार्क्स लाए हैं सर, आपका आशीर्वाद है, इसलिए मुझे बताने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था। कांग्रेचुलेशन मैम, कांग्रेचुलेशन आपको ही, क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत लिया होगा। थैंक यू मैम, मुझे मालूम है पेरेंट्स पे कितना टेंशन रहता है। अनुरिता मैम के बेटे का भी रिजल्ट है ना? अनुरिता मैम, आपके बेटे का क्या है रिजल्ट? सर मैं दिल्ली में बैठी हूँ, वो आज MSCET दे रहा था, अभी शाम को बात होगी मेरी, बिकॉज डेटा में वो पढ़ता है। हाँ सर मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, मैम दिल्ली में कहाँ है, मिलने आ जाए? अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये सब बाद में बातें करेंगे, गॉसिप बाद में, आप लोग बात कर लीजिए, अभी सेशन रिकॉर्ड हो। ठीक है, कंचन मैम से मेरा सवाल है। कंचन मैम से सवाल है जी, पूछिए सर। ये जो हाँ, ये जो भुना चना है ना, ये प्रतिशाय में लिखा हुआ है, प्रतिशाय में ना? हाँ प्रतिशाय, हाँ सर ये प्रतिशाय में ही है मैम, बराबर सर। हाँ क्योंकि मुझे भी ऐसे मतलब क्लेद जहाँ पे हो है ना उसमें, तो सर फिर ये कामला में कैसे काम करेगा? कामला में भी शोषण करेगा, मैं बताऊंगा एक लेक्चर। जल का शोषण करेगा ना, अगर सत्तू देंगे तब वो ठीक रहेगा, लेकिन जल का शोषण करेगा। हाँ पर वैसे तो हम सत्तू ग्रीष्म ऋतु में, मतलब जैसे अभी ये ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो हम यहाँ पे भी सत्तू बोलते हैं पेशेंट को, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि वो मतलब एक्चुअली वो रुक्षगुण है ना, तो यहाँ पे कैसे काम करता है, ग्रीष्म ऋतु में भी वो कैसे काम करता है, प्लीज सर ये लेक्चर लेना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेक्चर लेके आपको बताऊंगा जी जी। तो अभी हम सेशन बंद कर दें, कल मुझे वसंत कल्प पे करना है, इसी का पार्ट 4 होगा। ठीक है, पार्ट 4। हाँ बोलिए मैम। सर आपने आज बहुत ग्रैनी में ना, मुझे वो डिटेलिंग और ऐसे लगता है आपके पास में और बहुत खजाना है सर, आप ग्रैनी की चिकित्सा और डिटेल में लीजिए सर। हाँ, क्योंकि इतने सारे सॉल्यूशंस जो चीजें बोल रहे थे ना, एक एक करके दोनों लोग बोलिए, एक एक करके आप बोलिए सर, आप बोलिए सर। नहीं मैं कह रहा हूँ, जो चीज आप बोलते हो ना उससे फेसबुक और यूट्यूब खरीदा जा सकता है सर, तो देखिए सोच समझ के बोलिए सर। सर आपका जो ट्रीटमेंट का ये है ना सर, ग्रहणी का, अभी आपने कल्प लिए ना, आप कल्प ओरिएंटेड मत ये करिएगा सर, चाहिए तो ये रिपीट फिर से करिए कितने भी लंबे लेक्चर्स हो, लेकिन ग्रहणी अगर आप ट्रीट कर लेते हैं ना सर, पेशेंट डॉक्टर्स अगर बना लेते हैं ना, कोई डिसीज नहीं बचेगा सर, कोई सिंड्रोम नहीं बचेगा। मतलब मैं अभी सोच रही थी कि कोलोन और इस पे CA पे उतने में आपने बोल दिया कि आप ये कल्प इसमें भी यूज कर सकते हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं कि जो आपको शेयर करनी है, इसलिए आप गड़बड़ में मत सिखाइए सर, और डिटेल में सिखाइए और कल्प के इसमें जाके जी। थैंक यू सर। जब मैं बीमार पड़ता हूं तो आप बोलती हैं कि पढ़ाओ मत, फिर आप बोलते हैं पढ़ाओ भी, आपको दोनों चाहिए सर। अभी मैं बोलूंगी सर, आप फोन उठाइएगा मेरा, नहीं तो मैं आपको 2 दिन पढ़ाने नहीं देती थी जी। बुखार भी ले लीजिएगा सर, दोनों मिक्स करो बात और आप कल वात पित्त का ले लीजिएगा, एक बार ये पहले थोड़ा सा बता दीजिए 5-10 मिनट में, वात पित्त मिक्स है तो वात पित्त ग्रहणी। हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, अभी सेशन का टाइम हो गया है, थोड़ा ब्रेक चाहिए ना हमें। जी सर ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, फिर मिलते हैं 8:15, थैंक यू।